भाजपा नेता कलराज मिश्रा ने आरक्षण की दोहरी प्रणाली का किया विरोध। आरक्षण के विषय को लेकर लोक सेवा आयोग की तरफ से जिस ढंग से विकृत, मैं विकृत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, विकृत प्रक्रियात्मक मैंने प्रोसीजरल कार्रवाई की गई, जिसमें आरक्षण को गलत तरीके से परिभाषित करने का यत्न हुआ और एक जात विशेष के लोगों को लाभान्वित करने की साजिश की गई, उसके खिलाफ जब विद्यार्थियों ने अपनी आवाज बुलंद की तो उनको प्रताड़ित किया गया, लेकिन जब कोर्ट ने स्टे दे दिया, स्टे देने पर जब इस दोषपूर्ण प्रक्रिया के खिलाफ कार्य हो रहा था उस पर छात्रों ने प्रसन्नता व्यक्त की तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये प्रशासन की तानाशाही है, एक जात विशेष का नाम लेकर जात संघर्ष पैदा करने की साजिश की जा रही है। और मैंने सुना है कि आज समाचार पत्र में भी आज मैं देख रहा था कि इलाहाबाद जैसे महानगर में एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो जात के नाम पर गाली दे रहा है, जो जात के नाम पर ललकार रहा है, फला है मारो, फला है इसको पीटो, ये मैंने देखा आज समाचार पत्र में भी जी। ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करना चाहिए, क्या बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो अधिकारी रहने के योग्यता नहीं रखता है। और अगर इस प्रकार की हरकत करेगा तो जात संघर्ष की ज्वाला में भस्म सात हो जाएगा। ये इस प्रकार की हरकत करने वाले के विरुद्ध मैं उत्तर प्रदेश शासन को चेतावनी देना चाहता हूं, तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। मैं श्रीमान अखिलेश यादव जी को भी, एक तो लोक सेवा आयोग की तरफ से दोषपूर्ण तरीके से जो कृत्य किया गया, वो चौकी मामला कोर्ट में है, इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। और दूसरा, जिस तरीके से यहां विद्यार्थियों को पीटा गया, मारा गया और कातिलाना धाराओं का उपयोग करते हुए उनको जेल में डाला गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है, बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है। उन विद्यार्थियों को तत्काल रिहा करना चाहिए, उनके ऊपर के चार्जेस वापस लेना चाहिए और जिन अधिकारियों के द्वारा शांतपूर्ण ढंग से आंदोलन जो चल रहा था उस पर उनको उत्तेजित करने के लिए जो लाठी चार्ज करवाया गया, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहिए। दो प्रमुख बड़े जीवंत और तत्काल के मुद्दे थे, इसलिए मैंने आपके सामने अपनी बात रखी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य की स्थिति ऐसी निर्माण हुई है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, हद
हत्या, डकैतियां, बलात्कार, इन प्रकार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। दिन दहाड़े आजमगढ़ में पूर्व विधायक और स्वयं समाजवादी पार्टी के नेता के सुपुत्र बीएसपी के पूर्व विधायक श्री सर्वेश सिंह की हत्या की गई दिन दहाड़े, और जनता ने जो प्रतिरोध किया तो जनता पर भी खुलेआम गोली चलाई गई, उसमें भी कई मर गए। ये प्रशासन की संवेदन शून्यता, संवेदनहीनता का परिचय है। सहारनपुर में भी इसी प्रकार की घटना घटी थी।